वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मनाए, हमारे मेहमान इकराम सहगल साहब। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान पॉलिसी के हवाले से, जिसको इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक सर का दर्द कहा, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम इसमें हासिल ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे, और अफगान शायद ऐसी कौम भी नहीं है जो हमारे सुपुर्द काम करना चाहे। ये हमें सीख लेना चाहिए था ज़िया साहब के बाद। सहगल साहब, ये हम चाहते क्या हैं? हम एक फौज रूल्ड, हमारी फ़ौज अफगानिस्तान में ये करने के लिए क्या चाहती है कि हकायक बदल जाएं, या हम समझते हैं हम कर लेंगे? देखिए, फौज की जो थिंकिंग है ना, वो उसमें जो थिंकिंग थी अर्ली 90s में और अभी जो थिंकिंग है उसमें बहुत फ़र्क है। अर्ली 90s में कुछ लोग थे फौज में और ISI के अंदर, वो उनकी जो थी थिंकिंग वो थी कि मिंडानाओ से लेके मोरक्को तक, ठीक है जी, हमने एक बड़े सुपर पावर को हरा लिया है, तो मिंडानाओ से लेके मोरक्को तक इंगेज करो, ठीक है जी। और जो एक था कि भाई एक क्रेसेंट है हमारा, ठीक है, रिंग ऑफ फायर। देखिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी फ़ौज की कुव्वत छोड़ दें, कि हमारी इकोनॉमिक कुव्वत क्या है और इसकी लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं सोचा कि जो लोग जो हमारे जंजू जो यहाँ पर आ गए थे, यू नो फॉर एग्जांपल चेचन और यू नो उस जो भी थे सेटल, जो हमने नफरत बो के फेंकी है वो वापस तो नहीं आएंगे। वो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस आता है कभी उन चेचनों पर जो बेचारे यहाँ पर सेटल थे, जिन्होंने शादी करके यहाँ पर आफ्टर द अफगान वॉर, ठीक, उनको तो अलकायदा ने ड्रॉ कर लिया ना, फिर जब आके यहाँ पर अलकायदा तोरा बोरा के बाद यहाँ पर आई तो उन्होंने उनको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर रुक जाए ज़रा, अलकायदा यहाँ पर कैसे आई? अलकायदा तो आई जब जब वहाँ पर कोएलिशन की फोर्सेस एंटर्ड अफगानिस्तान तोरा बोर के बाद जब। नहीं, हमारे पास कैसे आई? हमारे पास उसी वक्त आई ना, हमने इजाज़त दी आने की? नहीं, हमने इजाज़त नहीं दी, वो तो बिकॉज दैट वो एरिया जो था, हम कभी उस इलाके में जाते ही नहीं थे, फाटा तो इलाका था, लेकिन हमारे इल्म में था कि आ गए। नहीं, इल्म में ज़रूर था कि उनकी बेसिस वागे, बट हम उस वक्त हमें वो नहीं था, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों नहीं था, क्योंकि एक टैसेट अंडरस्टैंडिंग थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। यही टैसेट अंडरस्टैंडिंग है जो अमेरिका को खलती है। वो देखिए ना, उस ज़माने में उन्होंने जिस पर उन्होंने फोर्स किया मुशरफ साहब को कि आप एंटर करें फाटा को, ठीक है जी, और उस वक्त जब हम एंटर किया, हमारे पास ना फौजी कुव्वत थी, ना ट्रेनिंग थी, ना हमारे पास इनफ बोलते ना इक्विपमेंट, राइट इक्विपमेंट, और पर्टिकुलरली इन दैट टफ टेरेन, यू नो, हम एंटर कर गए और हमें ठीक ठाक हमारी लॉसेस हुए, ठीक है, और उस लॉसेस के वजह से हमें सेटबैक हो गया बहुत सालों का, और उसके बाद अलकायदा ने पाकिस्तान में, आप देखिए 2003 से पहले आपने सुसाइड बॉम्बिंग पाकिस्तान में, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, उनने बाद आपको जवाब दिया, ठीक है जी, उसके बाद दे सेड ओके फ्री फॉर ऑल ऑन पाकिस्तान, और उन्होंने किसको इस्तेमाल किया? उन्होंने इस्तेमाल किया अपने मर्सनरी फोर्सेस, बिल्कुल ठीक है, स्वात में तो डिफरेंट फोर्स था जी, बट इन साउथ पाकिस्तान इज अ डिफरेंट फोर्स, जी ये मसूद सूझे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बैतुल्ला मसूद, अब्दुल्ला मसूद, ये जितने भी थे हकीमुल्ला जी, इनके पास पैसे कहाँ से आते थे? इनके पास जी 20-30 अरब रुपए पड़े हुए दुबई में, उस पैसे से उसकी जो आमदनी पैसे पड़े हुए, ये पैसे यहाँ से जो ले गए थे, जो इनके पास आते थे, ठीक है ना, ये उस जमाने में अफगान जिहाद के ज़माने, अफगान जिहाद में, और चैरिटी से जो अरब कंट्री से आते थे, अच्छा ये जो हमारे सदक़े देते हैं अरब मुल्क जी, वो वहाँ पर दुबई में ले गए, उसके आमदनी से वो ये करते थे, लोगों को ट्रेन करके स्वाद भी भेजते थे या बच्चे खरीद लेते थे, और उनकी पक्के फैक्ट्रीज थे जी इनके सुसाइड बॉम्बिंग के। आप देखिए, मैंने की है रिसर्च सर, इसके अंदर वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है जिसके अंदर उनकी दास्तानें सुनाई गई हैं कि उनको जन्नत बना के दिखाई जाती थी, उनको नशा करके उनके सामने, जी जी, अजीब गरीब हालात थे बड़ा। आई मीन देखिए, मैं समझता हूँ कि आगे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो अभी है ना इस लड़ाई का, वो यू ही है, क्योंकि बड़े लोग जो मर गए इनके, उनके बैंक अकाउंट्स में भी पैसे पड़े होंगे, किसको नहीं पता कि पैसे आए। एक ज़रा मैं यहाँ पे एलाइज और एनिमीज़ की मैं अगर एक बात पूछूँ आपसे, अमेरिका तो सही हमारा एलाई नहीं, एनिमी शायद, लेकिन ये अरब मुल्कों का क्या ख्याल है, ये कि किस कस्म का? देखिए अरब मुल्क तो देखिए ना, अरब मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि अरब मुल्क की जो इमीडिएट थ्रेट है ना जी, वो उनको ले बैठती है, वो इमीडिएट थ्रेट उनका ईरान है। आप देखें कि आपने विकिलीक्स पढ़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो उनको उसकाता है अमेरिका को कि आप कुछ करें
वो इसराइल तो करता करता है जी। ज़्यादातर आपके अरब मुल्क हैं जो उनको बोलते हैं कि उनको एक एक बोलते हैं ना एक थ्रेट है ईरान से, विच इज देयर आल्सो थ्रेट, एंड दैट थ्रेट इज दैट सुन्निशिया थ्रेट है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, दैट इज दैट्स अ रिलीजियस स्ट्राइफ विच इज सेक्टेरियन स्ट्राइफ विच इज विच वन कैन नॉट, बट उसके वजह से अरब की मुल्क की जो हमारे तरफ फीलिंग है ना वो एम्बिवेलेंट है। सबसे पहले वो हम नहीं चाहता कि हम उनके कैंप में चले जाएं, विच कैन नॉट हैपन बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ दी यू नो हमारे अपनी डिवाइड है। द अदर थिंग इज वो देखते हैं कि भाई ये तो मर्सनरीज हैं एनीवे, हाँ हम किराए की फौजी हैं, हम किराए के फौजी हैं, उनकी मैकडॉनल्ड्स की आर्मी है सर, वो हाँ। मार्च करती है तो चार पांच बेहोश हो जाते हैं हाँ। फिर वापस चले जाते हैं, ये तो आपको लड़ते रहेंगे रात दिन। आप जो पाकिस्तानी सोल्जर रेजिलिएंट है, आप सोचें कि किस किस इलाके में किस टफ टेरेन में काम करता है और किस तरह काम करता है, कहाँ से आता है उसका बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड, बट आप देखें कि मैं आपको बताता हूँ भारत के मैन टू मैन जो हमारा सोल्जर इतना टफ है ना, वो आपको दुनिया में कोई टफ सोल्जर नहीं मिले, क्योंकि आपको ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले बहुत कम सोल्जर्स मिलेंगे, शायद चाइनीज आर्मी में मिल जाए। चाइनीज आर्मी की कुव्वत उनकी और है, उनकी जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी ना जी, अब उनकी थोड़ी चेंज हो गई बाय द वे, और उनको चेंज उन्होंने देखा जब वो वियतनाम के खिलाफ लड़ाई गए थे, उनको एक ब्लडी नोज मिला था तो उनको समझ आई थी कि आर्मी की हमें थिंकिंग चेंज करनी जी। सैगल साहब, मैं आना इस बात पे चाह रहा था, थोड़ी देर लगा दी मैंने, इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर जी, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहती है, क्या है ये इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर? देखिए ये हमारी अपनी एक डेवलप्ड फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन है, ठीक है, हमें फेवरेट ही होता है, भोगी होता है। मैं बड़े खुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ, यस किसी मुसलमान मुल्क में और पर्टिकुलर मुल्क लाइक जब पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहाँ पर आपकी फ़ौज की एक होती है, इन्फ्लुएंस होती है पॉलिसी, आप किसी भी मुसलमान मुल्क में चले, अगर जमहूरियत हो भी जाए तो भी, जमहूरियत हो भी जाए तो, वरना तो जमहूरियत मिलती नहीं, ठीक है जी। आप देखिए, आज हम कहते हैं कि अर्दोगान साहब टर्की में वो हावी हो गए फौज के ऊपर, लेकिन वो फौज की सेंसिटिविटीज़ पर नहीं करते अभी भी, उन्होंने उनको निकाल दिया है, जो सकू करना चाहते उनको निकाल दिया, लेकिन फौज की सेंसिटिविटीज़ अभी भी वो करते हैं, टॉलरेट करते हैं। देखिए हमारी एक थिंकिंग थी, बट मैं खुद लेक्चर करता हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, और आप भी पढ़ाते हैं, आपको पता है कि जब आप कहीं पढ़ाते हैं ना तो आपको ज़्यादा आप सीख के आते हैं, कि आपके स्टूडेंट आपको बहुत सी चीज़ें सिखा देते हैं, ठीक है जी। तो मैंने देखा है कि जिस फौज में मैं था 1970 में देखा, जिस फौज में मैं 1990 में देखा, और फिर मैंने इस फौज को 2010-2011 में देखा, इसमें बहुत फ़र्क है, थिंकिंग की फ़र्क है। क्या आज इस्लामाइज्ड आर्मी है? नहीं, नॉट एट ऑल, ये गलत बात है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इमाम जो होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फौज में लड़ाई के वक्त, क्योंकि बिल्कुल जब आपके सामने मौत होती है तो वो इमाम जो होता है ना, जो अगर आपको शहीद हो जाता है कोई तो उसको अमानत में रखना, उसकी बॉडी को ये वो सेटर। तो हम जब जा रहे थे तो हमारे सीओ थे विच इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ब्रिगेडियर ताज SGN बार, सितारा जोत 65, सितारा जोत 71, एंड आई एम आउटस्टैंडिंग सोल्जर। उनने मुझे बोला कि तुम कंपनी ला रहे हो, ये इमाम जो है ना ये तुम्हारे चार्ज में। तो मुझे समझ नहीं आई, अब हम उमरकोट का अप्रोच कर रहे थे, हमें एयर रेड्स हमारे पर हो रहे थे, थोड़ी देर बाद मुझे मिला कि इमाम साहब तो गायब हो गए, ठीक है ना। तो कोई घंटे बाद मिलिट्री पुलिस ने हमारे इमाम साहब को वापस लाया, वो फरार हो गए, भाग गए थे तो नाला। तो मुझे और कुछ नहीं हुआ, तो मैंने उनको इमाम साहब की जो हैंडकफ कर दिया विद द डॉज, उनको बिठा दिया, ठीक है जी। मैं बोला ये मैं देखा, और उसी वक्त एयर रेड हो गया, ठीक है जी। और उस वक्त जब एयर रेड हुआ तो वो डॉज इमाम साहब बैठे हुए बीच में और नेपाम हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं समझता किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बचाया, लेकिन वो डॉज और वो बच गए। फौज के अंदर इमाम की इज्जत ज़रूर होती है, इस्लाम की इज्जत जितनी होती है, आप और मैं वही इस्लाम की इज्जत करते हैं, वही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड हुआ है और ज़ियाउलहक साहब ने ला के एक याद करवा दिया, वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, तो ये फीलिंग होती है कि ये फौज इस्लामाइज्ड हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
फौज जिस तरह जितने मुसलमान 70 में थे उतने मुसलमान 90 में थे, उतने मुसलमान 2010 में हैं। ठीक है, हुकूमत है उस मज़हब की हमारे अंदर है, लेकिन जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना वो नहीं है। आपने कहा कि फ़ौज का रवैया 70 में अलग था, 90 में अलग था और आज अलग है, वो किस तरह अलग है? देखिए 70 में अफसोस से कहना पड़ता है कि फ़ौज के अंदर बड़ा एक रेशल वो था। ठीक है जी, वो मैं क्योंकि पर्टिकुलरली आई वाज सफरर ऑफ इट बिकॉज मेरे वाले साहब पंजाब के थे, मदर बंगाल की थी, आई वाज राइट इन द मिडल ऑफ द डिवाइड। ठीक है जी, तो मुझे तो मैंने तो खुद देखा उसको होते हुए, कमपरस्ती थी और आज भी मैं थोड़ा बहुत वो हो जाता है, मैं जगह जगह पर जाता हूँ ऐसा हो जाता है। 1990 में मैंने देखा कि ये फौज टर्न करके फ्रॉम द रेशियल डिवाइड इट केम टू सेक्टेरियन रिलीजियस, और थोड़ी शिया सुन्नी की प्रॉब्लम हुई लेकिन फौज में नहीं होती है रियली, यू नो फौज में तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट निल होती है, आर्मी एक अलग जात हो जाती है, वो सब सोल्जर्स कम इनटू वन मेल्टिंग पॉट, लेकिन रिलीजियस टोन जो थी ना ज़ियाउल्लाह साहब के बाद वो ज़्यादा हो गई। लेकिन 1990 में, और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, परहैप्स द बेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु केम बाय एक्सीडेंट बिकेम एक्सीडेंट नहीं वाज जनरल वहीद, जनरल आसिफ जंजू डाइड, वाज अ वेरी गुड चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल वहीद आ गए एंड ही वाज एक्सीडेंटल बिकॉज ही वाज ऑलरेडी ऑन हिज रिटायरमेंट, यू नो अपने 10 दिन में रिटायर होने वाले थे, उनने आके ये पूरी पॉलिसीज चेंज की और उन्हें ऐसा बुनियाद रखा फौज का कि वो बुनियाद, और सबसे बड़ा उन्हें जो वो दिखाया कि उनने आके जब उनको ऑफर किया गया एक्सटेंशन वगैरह, उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं लेता। ठीक है, उनको इनफैक्ट एक सिल्वर प्लेटर पर बोला गया दोनों तरफ से, खुदा के वास्ते रुक जाए, और उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं रुकता, उन्हें एक वो एस्टैब्लिश कर दिया। दूसरा फिर मैं बोलता हूँ जानी करामत साहब भी, जब उनके पास उनको फेस किया गया, ही हैड अ चॉइस, ही कुड हैव टेकन ओवर एंड हिज जनरल्स वर टेलिंग हिम। लेकिन फिर उनके बाद मुशर्रफ भी तो आए सर। जी मुशर्रफ आए, देखिए मुशर्रफ साहब डिफरेंट थे, मुशर्रफ साहब तो अगर मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर को बने, 11 या 12 अक्टूबर को बने थे चीफ आर्मी स्टाफ, 17 अक्टूबर आप 1999 की मेरी आप आर्टिकल पढ़ लें, उसमें मैंने नवाज शरीफ साहब को एडवाइस दी थी, मैं बोला डोंट ट्राई व्हाट यू डन विद जेके बिकॉज दिस मैन इज डिफरेंट, और फौज भी अब गुस्सा है। हाँ फौज भी गुस्सा है बिकॉज आपने एक चीफ को रिमूव किया जिस तरह रिमूव किया। ठीक है, उसके बाद तो मुशर्रफ साहब कुछ भी कर लेते, खुली छुट्टी थी, फौज उनको फॉलो करता है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था। सैकल साहब एक ब्रेक लेते हैं, हम बात कर रहे हैं फौज के हवाले से, नेटो हमले के साथ हम शुरू हुए थे, मौजू हमारा थोड़ा सा एक टेंजेंट पे चला गया, हम जब वापस आएंगे तो इस पूरी गुफ्तगू को रैपअप करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं सियासत मनाए, बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।